अजय यादव, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे अकेडमिक्स में। लास्ट हमारा जो डायनेमिक्स का लेक्चर 6 था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम कुछ इस टाइप से, हमारे पास सर्किल था वहाँ पर, ठीक है, और सर्किल की रेडियस इसको हमने इनिशियल लाइन मान लिया था, और ये जो लाइन थी यहाँ पर इसको हमने क्या मान लिया था, पोलर लाइन, ठीक है, पोलर लाइन। ये ओल यहाँ पे पोल हो गया था, इसकी ए और ए ये दोनों क्या थी यहाँ पर, अपने पास रेडियस थी, यानी 2a यहाँ पर रेडियस हो गई थी, ठीक है। तो अब ये पोलर लाइन पे, ये जो अगर मैं इसको पी पॉइंट मान लेता हूँ, तो हम क्या मानते हैं, पी आर थीटा, ठीक है, जहाँ पर आर ये डिस्टेंस होता है ओपी, और थीटा ये एंगल होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, जो दिक्कत आ रही थी उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, अपने पास आर था, ठीक है। तो पहले तो हम आर निकालेंगे, आर यहाँ पे एक चीज़ है, डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये आर जो है यहाँ पर डिस्टेंस है, और वो जो आर डॉट वहाँ पर हम निकालेंगे वो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट था वहाँ पर, ठीक है। वो इस आर को और उस आर को यहाँ पे मिक्स नहीं करना अपने को, ठीक है, वो अभी जैसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे आगे यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कर्व पे जो टेंजेंट लाइन के अलोंग अपने पास लीनियर वेलोसिटी रहती है, और उसको हमने क्या मान लिया था, वी यहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई थी, वी हो गई थी। चलिए, अब एक प्रॉपर्टी, सर्कल की एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर से अगर किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम एंगल बनाते हैं तो वो 90 का बनता है, ठीक है, चाहे आप यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, ठीक है। डायमीटर से जब आप सर्कल पे एंगल बनाते हो तो वो जो एंगल होता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये अपने पास जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का, 90 का बनेगा। अब यहाँ से ये अगर मैं लाइन खींचता हूँ सेम, और ये भी 90 पर खींचता हूँ, तो ये एक ही लाइन बन जाएगी अपने पास, भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है ना। तो ये जो है, और इसको मैंने क्या माना हुआ था, रेडियल डायरेक्शन, आर रेडियल डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर क्या होती है अपने पास, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, आर डॉट होती है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, आर डॉट होती है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आर थीटा डॉट होती है, ठीक है। ये हमने रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाली थी वहां से, कि ये जो पोल्स हैं, ये जो लाइन होती है रेडियल डायरेक्शन होती है, इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होता है वो अपने पास होता है आर डॉट, ठीक है, और इसके ट्रांस सॉरी परपेंडिकुलर अपने पास होता है ट्रांसवर्स। तो दिक्कत क्या आ रही थी, कि ये जो सर्किल, अब ये एंगल कितना बन गया अपने पास, 90 का एंगल बन गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये ओ पी बी, ये थीटा एंगल है, ये 90 है, ठीक है, मुझे आर चाहिए, और ये कितना है, 2a, ठीक है। तो 2a अपॉन आर क्या आएगा, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये अपने पास हो जाएगा 90 के साथ और इस एंगल के साथ, तो बेस, ठीक है, इसको जैसे सीधा करके देखोगे आप तो उसी इस टाइप से तो बनेगा, ये 90, ये यहाँ पे थीटा, थीटा ओ पॉइंट पर है, पी पॉइंट, और ये बी पॉइंट, ठीक है। तो ये बेस ही तो बनेगा, जिसके साथ एंगल रहता है वो लाइन बेस, दूसरी वाली परपेंडिकुलर, बाकी ये तो हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने रहता है, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, तो क्या होता है, कोस थीटा। तो इसमें कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस, बेस अपने पास आर है और ये 2a, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2a कोस थीटा। तो वो जो आर मैंने लिया था वो यहाँ से लिया था, आर इक्वल्स टू 2a कोस थीटा, यानी ये जो है आर, ये डिस्टेंस, ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2a कोस थीटा, ये जो आर है ये आ जाएगा 2a कोस थीटा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से समझ लो। ये इस 90 वाले ट्राइंगल से हमने निकाला है आर जो है, ये डिस्टेंस रहता है ओ से पी तक, पी पॉइंट तक, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना है, ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी अपने पास एक्चुअल में वेलोसिटी कौन सी है, यही तो है, वी, ठीक है, एक्चुअल में वेलोसिटी तो वी है। अब वी के कॉम्पोनेंट, वी का एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे, अब एक चीज़ मैंने एक और बताई थी यहाँ पे, कि ये जो है एंगल यहाँ पे अपने पास थीटा है, और इसमें हमने क्या किया था, को मानना था हमने थीटा इसमें, टेंजेंट लाइन के और इसके बीच में तो एंगल थीटा मानना था,
ठीक है, टेंजेंट लाइन और जो है ये अपने पास ट्रांसवर्स लाइन थी, इसके बीच हमने एंगल को थीटा माना था, और इसी की वजह से यहाँ पे ये हमने जो किया था ना, ये इस लाइन को, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसको यहाँ पे जब हम लेके आएंगे यहाँ से ये, ठीक है, ये इसकी वजह से निकाला था, क्योंकि ये अपने पास एक सर्किल बना था, ये रेडियस है इस पॉइंट, सॉरी सेंटर का, सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, इससे ये एक ऐसे है एक ऐसे है, ये भी ए होगा, ए भी हो, रेडियस है, ठीक है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल हो जाएंगे यहाँ से थीटा, ठीक है, ये जो एंगल थीटा होगा, ये और ये एक दूसरे के 90 होंगे, किसी भी पॉइंट पर सर्किल पे जो टेंजेंट होती है, और सर्किल से अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है, तो ये दोनों लाइन अपने पास क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, तो इसको मैं जितना घुमाऊंगा तो अभी भी परपेंडिकुलर ही, मतलब ये और ये एंगल यहाँ पे थीटा दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से थीटा आया था। अब इस वी का कॉम्पोनेंट हम देखते हैं, ठीक है, ये 2a cos थीटा, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं v का कंपोनेंट क्या होगा, देखो ऐसे यहाँ पे v है अपने पास ये, और ये अपने पास कौन सी डायरेक्शन है, ट्रांसवर्स वाली, r थीटा डॉट वाली, और ये इधर वाली डायरेक्शन, तो v, ठीक है। अब कंपोनेंट में एक्चुअली में क्या होता है, अब आप कह रहे थे कि r और इस साइड -v sin थीटा कैसे आया था और वो बराबर क्यों नहीं थे, ठीक है, तो ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ तक O पॉइंट तक ये पूरी r है अपने पास, ठीक है, लेकिन कंपोनेंट वैसा नहीं है, कंपोनेंट में अपने पास डायरेक्शन जो ये वेक्टर क्वांटिटी रहती है, यहाँ पे डायरेक्शन भी रहता है मैग्नीट्यूड भी, तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये एंगल थीटा, और इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे, तो ये कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये जो कंपोनेंट होगा उस डायरेक्शन में हो जाएगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पे थीटा एंगल आपके पास ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंड, एक तरह से मतलब पैरेलल लाइन ही हो जाएंगी, ये भी 90 है, ये भी 90 है यहाँ पर, ठीक है, हमने बना ड्रॉ किया इसको, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में, जब मैं देखूंगा इस ट्राइंगल में, ये लाइन क्या थी मेरे पास, वी था यहाँ पे, ठीक है, अभी जैसे जब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल थीटा है तो वी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, वी कोस थीटा, ये इसको जैसे मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स अपोन वी, एक्स अपोन वी, अब देखो ये क्या है यहाँ पर, वापिस से बेस और ये अपोन हाइपोटेन्यूज, बेस अपोन हाइपोटेन्यूज, वापस क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी एक्स इक्वल्स टू वी कोस थीटा, वी कोस थीटा, तो ये जो डायरेक्शन आ रही है यहाँ पर, इसका कॉम्पोनेंट ये अपने पास क्या आ रहा है, वी कोस थीटा, ठीक है, ये यहाँ पर वी कोस थीटा आ रहा था। ऐसे ही जब मैं इस ट्राइंगल में देखूंगा तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में अब बेस क्या है अपने पास, ये, ठीक है, तो ये हमें निकालना है, इसको मैं वाई मान लेता हूँ जैसे, नहीं ये नहीं, अपने को ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है ना, तो अगर ये निकालना होता तो सेम ही आ जाएगा, तो ये निकालना हमें, ये क्या है, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये क्या होता है, साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, वाई मान रखा है मैंने वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वी, तो वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा, तो ये अपने पास हो गया वी साइन थीटा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर वाले डायरेक्शन में इस v का कंपोनेंट क्या होगा, v साइन थीटा होगा, ठीक है, और अपने पास मुझे ये भी वेलोसिटी का तो कंपोनेंट है, अब मैं इसको वेलोसिटी के साथ ही कंपेयर कर सकता हूं, तो ये मेरे पास यहां पे कौन सी वेलोसिटी है, इस जगह पर, यहां पर तो कौन सी अपने पास ट्रांसवर्स, और यहां पर रेडियल, ठीक है, तो इधर मेरे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है और इधर अपने पास रेडियल वेलोसिटी है, तो ये इसके क्या है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, तो r डॉट इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी -v sin थीटा, इसलिए मैंने r डॉट को यहाँ पे क्या लिया, -v sin थीटा, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो एक्चुअल में देखो यहाँ तक ऐसे आके, और ये कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो r को r डॉट को यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, r ये अपने पास ये टोटल ये था, ठीक है, वो हमने इस सर्कल से निकाला था, r डॉट वेलोसिटी का कंपोनेंट, और वेलोसिटी क्या है अपने पास, ओनली v है, तो v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमें देखना है। अब इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, जितना इधर होगा उसके अपोजिट उतना ही, इधर क्या है, वी साइन थीटा, हमने माइनस साइन लगा के उस साइड कर दिया, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मिस्टेक हो रही थी, कहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम आ रही थी। इसी में नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो क्या किया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए रिंग विच कैन स्लाइड ऑन ए थिन स्मूथ रोड,
ठीक है, एक रिंग है जो एक स्मूथ रोड पर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। अभी तो कोई रिंग भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई है, नहीं तो निकाल के दिखा देते। चलो यहाँ पे ये मैं क्या मान लेता हूँ, रोड मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पर यहाँ पर कोई अपने पास रिंग है। चलो अभी पढ़ लेते क्या है। स्मूथ रोड रेस्ट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड ओ ऑफ द रोड। पहले इसको मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रोड है, ये ओ पॉइंट है, इससे डी डिस्टेंस पर क्या है अपने पास, रिंग है। यहाँ पर ये मैंने ए मान लिया इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पर अभी रिंग है, ये रोड है, ठीक है, इस पॉइंट पर ए रिंग हुज हु कैन स्लाइड ऑन ए थिन स्मूथ रोड। स्मूथ रोड है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अपने पास नहीं होगा, कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होगा, कोई फिसलने में कोई दिक्कत नहीं होगी रिंग को। रेस्ट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम रेस्ट की पोजिशन पर, डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, फ्रॉम वन एंड ओ ऑफ द रोड, रोड के ओ एंड से। द रोड इज देन सेट रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है यूनिफॉर्मली, तो जो रिवोल्यूशन है वो अपने पास कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी उस केस में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस या किस हिसाब से वहाँ पे रेट ऑफ चेंज इसमें आ रहा है, लेकिन वो कुछ होगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्मली है, तो वहाँ पे जो थीटा डॉट है वो जीरो हो जाएगा, पढ़ेंगे अभी आगे हम। यूनिफॉर्मली अबाउट ओ इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में यही मान लेता हूँ, इसी में क्या मान लेते हैं कि ये क्या कर रही है, इधर रिवोल्व करने लग गई, इधर क्या करने लग गई, रिवोल्व करने लग गई। चलो सो दैट द रिंग डिस्क्राइब द कर्व एट आर इक्वल्स टू डी कोस हाइपरबोलिक ऑफ कोस थीटा, ठीक है, ये हमें आर और थीटा के बीच रिलेशन यानी कर्व का रिलेशन एक तरह से हमें निकालना है, हमें जो चीज़ें पता है वो हम कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशन बाद में अपने आप निकल के आ जाएगा, क्या पढ़ा था वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे कोई छल्ला है, मान लो आपके पास कोई छल्ला है यहाँ पे, ठीक है, और इस रिंग को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो एकदम से वो छल्ला थोड़ा सा बाहर की साइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर या ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे वो ये रोड जो है ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये पी आर थीटा, ये उसकी मैं कुछ टी पॉइंट सॉरी टी टाइम के बाद उसकी जो पार्टिकल है अपने पास क्या है, रिंग, उसकी पोजीशन मान लेता हूँ कि टी टाइम पर उसकी जो पोजीशन है वो पी पर है, और आर और थीटा उसके कोऑर्डिनेट मान लिए, जहाँ पर थीटा तो एंगल हो जाएगा, इसको अब मैं क्या मान लेता हूँ, वही वापस अपने पास, ये तो इनिशियल लाइन हो जाएगी, ये पोलर लाइन, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा यहाँ से ओ से पी तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो थिन रेड सर्जर डिस्टेंस कोई नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो अपने पास यहाँ पर कोई भी इस पे एक्स्ट्रा जो है फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा अपने पास, एक अपने पास क्या पढ़ा था अपन ने, रेडियल एक्सेलेशन और एक ट्रांसवर्स एक्सेलेशन, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई अपने पास वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ इस केस में रेडियल जो एक्सेलेशन होगी, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलेशन, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म उससे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जब मैं डी वी बाई डी टी करूंगा वहां पे उस केस में, ठीक है, वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी के मामले में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यूनिफॉर्म कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट नंबर होगा, कॉन्स्टेंट को टी से डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और रेडियल एक्सेलेशन हमने क्या पढ़ी थी, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वेयर, और इसको ये क्या हो जाएगी अपने पास, जीरो हो जाएगी, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वेयर। चलो दूसरी चीज, थीटा मूव कैसे कर रही है रोड अपने पास, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म मूव कर रही है तो जो थीटा में अपने पास चेंज आएगा वो भी कैसे आएगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू की तरह आएगा, ठीक है, धीरे 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 वो जो है यूनिफॉर्मली कम या ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं है कि एक बार ऐसे तेज़ हुआ फिर धीरे हो गया फिर तेज़ हुआ फिर धीरे हो गया, इस टाइप से नहीं, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली चेंज आएगा उसमें, तो वहाँ पर जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इस डायरेक्शन में कौन सी अपने पास रहती है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा में चेंज क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और वो क्या होता है, थीटा डॉट, तो थीटा डॉट कुछ कांस्टेंट होगा, और इसको मैं मान लेता हूँ ओमेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो,
ठीक है, ये कुछ उस टाइप से हो गई, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस, और ये ओमेगा स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको तो सोल्व कर सकते हैं हम, सी वन कोस वहाँ से, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू सी वन कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। यहाँ पे एक्स नहीं आएगा क्योंकि टी के टाइम आर डॉट क्या होता है, डी आर बाई डी टी, तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ओमेगा टी प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ठीक है, दोनों सेम वहाँ पे आ जाएंगे ना, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका, डी स्क्वेयर और ये उस टाइप से एम स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर और ये हो जाएगा एम इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा। ठीक है, तो सेम उस टाइप से वहाँ से आ जाएगा अपने पास सी वन कोस ओमेगा टी प्लस साइन सी वन सॉरी सी टू साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। हमें क्या लेके आनी है, आर इक्वल्स टू डी कोस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ, एक तो ये टर्म चाहिए हमें, ये टर्म जीरो जानी चाहिए, ये लेके आना है ये ठीक है। सी वन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डी आनी चाहिए, कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, थीटा आनी चाहिए, ओमेगा टी इसकी तो वैल्यू आ ही जाएगी ना, थीटा डॉट अभी क्या लिया हमने, कॉन्स्टेंट लिया है ओमेगा। ठीक है, थीटा डॉट इक्वल्स टू ओमेगा कॉन्स्टेंट लिया, ये क्या होता है डी थीटा बाई डॉट का मतलब टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू या ऐसे कर लो ना डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, और वापस से कर देंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा ओमेगा और इसका टी प्लस सी थ्री। ठीक है, इसको सी थ्री को हटाएंगे हम, सी थ्री को कैसे हटाओगे, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। सी थ्री को कैसे हटाओगे, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आ जाओ, अभी ये रोड यहाँ है, स्टार्टिंग में हम कहाँ थे, यहाँ साफ पता चल रहा है थीटा क्या हो रहा है, जीरो, थीटा जीरो, स्टार्टिंग में यहाँ आ रहे हो, टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी जीरो, ये भी जीरो, यानी सी थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें यहाँ पे सी वन सी टू की वैल्यू निकालनी है, ये सी वन सी टू की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये भी इनिशियल कंडीशन से आएगी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या थी, टाइम जीरो पर आर, आर क्या है, इस फिक्स पॉइंट से और पार्टिकल या जो अपने पास रिंग है उसकी दूरी। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में ये दूरी कितनी थी, डी थी। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी उस केस में, और क्या क्या काम में आ रहा है, टी टाइम जीरो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये निकालना है। ठीक है, तो ये कोस हाइपरबोलिक जीरो साइन हाइपरबोलिक जीरो, तो ये तो क्या बन जाएगा, वन, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, जीरो। ठीक है, तो ये सी वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, आर की वैल्यू डी, यही तो आएगा, ये पार्ट तो साइन हाइपरबोलिक जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया ये पार्ट, ये तो कंप्लीट जीरो, यहाँ पर ये कोस जीरो, यहाँ पे वन, तो ये सी वन बचा और इधर क्या बचा, आर इक्वल्स टू डी, इनिशियल कंडीशन निकालने पे, तो ये सी वन इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, डी, सी वन इक्वल्स टू क्या आ गया, डी। अब इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन से अपने पास क्या कंडीशन आ जाएगी, इनिशियल कंडीशन जब मैं इसमें लगाऊंगा तो अपने पास क्या करना था, अपने को आर ये कर दिया हमने, ये हो गया। ठीक है, आर डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, आर डॉट क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, सी वन और ये ओमेगा आगे आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ठीक है, एक बार तो कोस हाइपरबोलिक का करेंगे, सॉरी साइन हो जाएगा इसका, तो ठीक है साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बार आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो अपने पास सी टू और ओमेगा बार आ जाएगा और ये हो जाएगा कोस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अब आर डॉट यहाँ पे अपने पास हो गया, एक ये हो गया सी वन, ये हमने यहाँ से सी वन और सी टू की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से। अब इसमें पुट करो स्टार्टिंग वाली जो इनिशियल कंडीशन थी, यहाँ से तो क्या है अपने पास, सी टू की भी तो वैल्यू चाहिए ना, सी वन की वैल्यू तो क्या आ गया अपने पास, डी। अब सी टू की वैल्यू निकालेंगे और सी टू की वैल्यू यहाँ से निकले, कैसे निकलेगी, अब देखो इनिशियल कंडीशन, तो आर डॉट
रेडियल वेलोसिटी, क्या था अपने पास, रेडियल वेलोसिटी था ना, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो क्यों हो जाएगी, आर क्या है, कुछ फिक्स वैल्यू अपने पास, ठीक है भाई, इस ये डी है ना आर, यहाँ पे ये डिस्टेंस ही तो है आर इनिशियल में, तो इसका जब डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अपने पास फिक्स, ये तो जीरो हो गया इधर, तो सी वन साइन जीरो, ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे जीरो प्लस सी टू, ठीक है, डब्लू ये अपने पास सॉरी ओमेगा है, कोस यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू टी जीरो पर ये क्या बन जाएगी वन, ठीक है, तो सी टू ओमेगा, और ओमेगा की भी वैल्यू है क्या कुछ अपने पास, सी टू ओमेगा, तो सी टू ओमेगा इक्वल्स टू क्या आया, जीरो आया, तो सी टू इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा, जीरो। अब पूछो क्यों, ओमेगा क्या माना था हमने, कॉन्स्टेंट वैल्यू माननी थी, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू माननी थी, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली सी बात है, किसको जीरो होना पड़ेगा, सी टू को जीरो होना पड़ेगा। अब सी वन और सी टू की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करना है, आर और थीटा में तो रिलेशन चाहिए हमें, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू सी वन की वैल्यू यहाँ से डी कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू थीटा प्लस सी टू, सी टू की वैल्यू जीरो, तो ये कंप्लीट टर्म जीरो, यही प्रूफ करना था, आर इक्वल्स टू डी कोस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया हमने, स्टार्टिंग उसने क्या दिया था, एक रिंग हमें दी हुई थी जो एक थिन स्मूथ रोड पर क्या कर सकती थी, स्लाइड कर सकती थी, यहाँ पर ये रोड है, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ मान ली थी, इस पर ये स्लाइड कर सकता है वापिस, कुछ टी टाइम के बाद पोजिशन ये मान लिया हमने, थीटा इसमें चेंज आ गया, ये डिस्टेंस आर हो गया, पहले ये डिस्टेंस कितना था, डी था, तो जब हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे तो आर इक्वल्स टू डी लेंगे, आर यानी कि ओ से पी की दूरी, पार्टिकल जो अपने पास रिंग है उसकी दूरी थी, यहाँ से रिंग यहाँ पर थी स्टार्टिंग में, तो उसकी दूरी यहाँ पर डी हो गई, तो ये हमने यूज भी किया था। आर निकालेंगे तो रेडियल एक्सेलेशन से आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, रेडियल डायरेक्शन में अपने पास कुछ है नहीं, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगी, तो एक्सेलेशन भी जीरो हो जाएगी, ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया था, थीटा, तो थीटा डॉट की वैल्यू, थीटा डॉट यानी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि यूनिफॉर्मली मूव कर रही है वो प्लेन में, ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्लेन, यूनिफॉर्म मूव करने का मतलब है कि कांस्टेंट एक टाइम के बाद फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस चेंज हो रहा है, या यहाँ पर एंगल की बात करते हैं, फिक्स टाइम में फिक्स कुछ एंगल चेंज होता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एंगल में चेंज यूनिफॉर्म है, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और उसको हमने ओमेगा मान लिया था, वो यहाँ पे पुट किया, तो आर आर डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन वहाँ से सी एफ निकाला था हमने, ये हो गया अपने पास सी वन कोस ओमेगा टी और सी टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना था, सी वन और सी टू की वैल्यू निकालनी थी, तो एक बार क्या करेंगे, आर जो डायरेक्ट इसी में वैल्यूज पुट कर देंगे इनिशियल कंडीशन, एक बार आर डॉट में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो सी वन की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो सी टू की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को वापस इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा सी वन, सी वन को तो डी आ जाएगा, ठीक है, तो आर इक्वल्स टू डी कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, बस ये अपने पास बचेगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। अब ओमेगा टी को अपने पास क्या लेके आना है, थीटा, ठीक है, थीटा डॉट हमने माना ही था कॉन्स्टेंट ओमेगा, इसको डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, डी टी को उधर ले जाओ, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, वहाँ पे वापस इंटीग्रेशन कर दो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस सी थ्री, सी थ्री की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, इनिशियल कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, भाई स्टार्टिंग में यहाँ ही तो थे, यहाँ पे एंगल तो था ही नहीं, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, टी टाइम भी जीरो, तो सिर्फ सी थ्री, सी थ्री की वैल्यू जीरो बची, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे सी वन, ये सॉरी डी कोस हाइपरबोलिक थीटा, ये अपने पास क्या जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।